हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। आज है दुर्गा पूजा की महाअष्टमी और हम लोग सुबह सुबह नहा धोवा के एकदम बिल्कुल रेडी होके बिना खाए पिए आ गए हैं दुर्गा बाड़ी पे। ये है अगरतला का दुर्गा बाड़ी जहाँ पर अंजलि देने हम लोग आ गए। लेकिन आके क्या देखते हैं, सामने का जो मेन डोर है वो बंद है। पहले तो हमें लगा कि अंजलि हो गई है, लेकिन पूछने से पता चला कि अंजलि हो रही है, लेकिन जो लोग लाइन में जा रहे हैं उन्हीं से अंजलि दे पा रहे, जो लोग लाइन करके नहीं जाएंगे उन लोग अंजलि नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत देर तक हमने वेट किया, यहाँ पर हमने थोड़े फ़ोटो वोटो क्लिक कराए और लोगों से पूछते रहे कि बिना लाइन के भी जाके क्या अंजलि ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे साथ छोटी सी बच्ची है और लाइन तो बहुत लंबी थी, एकदम गेट के बाहर चली गई थी और लाइन दे के जाने का तो हम लोगों को एकदम ही पॉसिबल नहीं था छोटी बच्ची के साथ। तो हम लोग पूछ रहे थे लेकिन ये पॉसिबल नहीं रहा। तो ये देखिए, ये रहा लाइन दे के छोटे से गेट के अंदर से सारे लोग जो नाट मंदिर है उनके अंदर उसका अंदर जा रहे थे, जाके फिर अंजलि ले रहे थे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि छोटे बच्चे के साथ हम भी इतने दूर तक लाइन दें। तो आप लोगों को दिखाते हैं लाइन कहाँ तक आ गई है। ये मंदिर है, ये मंदिर का बाहर है, वो जो ट्रैफिक के पीछे से देख रहे हैं आप लोग, लाइन जा रही है वहाँ तक लाइन आ गई थी। तो ये पॉसिबल नहीं रहा। तो हम लोग दीदी से पूछे कि वह उनके क्लब में क्या अंजलि हो गए हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कभी होगी। तो हम लोग जल्दी से उनके क्लब में आ गए, तो देखिए एकदम माँ के सामने पहुँच गए, सामने पहुँच गए और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने अंजलि लिया। तो यहाँ पर मेरे बाबा भी थे तो बाबा से भी मुलाकात होगी। बहुत ही अच्छी तरह से अंजलि लिया हम लोगों ने, शांति का जल लिया, फिर चरणामृत लिया सब लेके। आज का दुर्गा पूजा की अष्टमी की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया रही, होपफुली पूरा दिन भी ऐसा ही अच्छा जाएगा, सो देखते रहिए। तो अभी हो गई थी शाम, फिर से तैयार व्यार होके हम लोग अभी निकल चुके हैं। आज अष्टमी है और कल नवमी है, फिर तो दशमी आ जाएगी, पूजा भी ख़त्म हो जाएगी। तो बाहर एक बिल्डिंग में बहुत सुंदर से लाइटिंग थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई लाइटिंग कैप्चर करने में। तो हम लोग आ गए अभी राम ठाकुर क्लब में, जो हमारे घर से पास में ही था, लेकिन अभी ना नो एंट्री पड़ गई है और टू व्हीलर फोर व्हीलर की बहुत जगह पर नो एंट्री है, तो इस वजह से हमें बहुत ना घूम के आना पड़ा। तो यहाँ पर आके ना बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बैम्बू का पूरा मंदिर बनाया गया था और बैम्बू के बारे में बताया जा रहा था, कितने टाइप के बैम्बू होते हैं और नॉर्थ ईस्ट में कितने टाइप के बैम्बू है, ये सब यहाँ पर माइकिंग में बताया जा रहा था। और बहुत सुंदर सा एक गाना भी लगा हुआ था, तो एम्बियंस बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने ना जो एग्ज़िट का रोड है उससे हम लोग अंदर घुस गए और फिर हम लोग एंट्रेंस दुर्गा माई को देख के फिर हम लोग एंट्रेंस में गए। और ऊपर का डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर था, तो यहाँ ना मेरी बेटी गोदी से एकदम उतर नहीं रही थी। मैं जब कैमरा करती थी तब मेरे हस्बैंड लेते थे और मैं जब कैमरा बंद करती थी तब मैं लेके बेटी को चलना पड़ता था। और ये एंट्रेंस देखिए कितना सुंदर बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो भी आप लोग देख रहे हो ना, वो सब कुछ बैम्बू से बनाया गया है। वो यहाँ पर सामने एक दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई, दुर्गा माँ की प्रतिमा, वो भी बैम्बू से बनाया गया। ये सामने एक रथ बनाया गया है, वो भी बैम्बू से बनाया गया। पीछे एक हाथी या फिर हाथी नहीं सॉरी घोड़ा बनाया गया है, वो भी बैम्बू से बनाया है। तो हम लोग एंट्रेंस में जाके थोड़ा सा शूट वूट किया, फ़ोटो वोटो खींचा, फिर से हम लोग नाट मंदिर के अंदर गए और फिर से एग्ज़िट से हम लोग ने एग्ज़िट ली। तो अंदर भी बहुत ही सुंदर बैम्बू का काम हुआ रखा था। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट फेमस है बैम्बूज़ के लिए, तो यहाँ पर बैम्बू का ही काम हो रखा था। अभी हम लोग आ गए एगिए चलो संघ में, जो मेलारमाट में है, यहाँ पर भी ना बैम्बू का ही काम हुआ रखा था। ओ सॉरी, ये कि चलो संघ नहीं है। अभी हम लोग आ गए ग्रैंड्यूज में, या ग्रैंड्यूज जो गुल बाजार जो है ना उसके नज़दीक में ही है। और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा हो रखा था। और यहाँ पर अभी ना अष्टमी की आरती हो रही थी और जिस पेंडल में ना हम लोग अभी जा रहे थे, सभी जगह पर ना यहाँ प्रदीप जलाए जा रहे थे। जो संदिखन में नवमी और अष्टमी और नवमी के संदिखन में जो 108 प्रदीप जलाए जाते हैं ना, वो अभी जलाए जा रहे थे, हर पैंडल में ये जलाया जा रहा था। तो यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर बैम्बू का काम हो रखा था। तो मेरे हस्बैंड अपनी छोटी बेटी को लेके वहाँ पर बैठे हुए थे और मैं मेरी बड़ी बेटी पूरा मंदिर देख रहे थे। बहुत ही सुंदर काम किया गया है, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर काम किया गया और बहुत ही अच्छा लगा। आज भी है ना अष्टमी में, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैंडल्स कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही एक नवमी है, फिर तो दशमी लग जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी। अभी हम लोग आ गए अगरतला के वन ऑफ द फेमस पूजा में, जहाँ पर दुर्गा पूजा और साइड बाई साइड आनंद मेला भी लगा हुआ है, जो है जो मेरी बेटी को बहुत ही फेवरेट है और वो ये आने के लिए पागल हो जा रही थी। तो ये है गुजरात की जो मंदिर है उसके आदल में बनाया गया है, यह चंद्रोदय मंदिर के आदल में बनाया गया है। चंद्रोदय मंदिर तो बहुत ही टॉल होते हैं,
चंद्रोदय मंदिर बनाया जा रहा है वो तो बहुत ही टॉल है, लेकिन यहाँ पर परमिशन नहीं है उतना ऊंचा बनाने की, तो ये लोग जितना परमिशन मिलता है उतना ही बनाते हैं। तो चंद्रोदय मंदिर तो बाहर से मुझे बहुत ही सुंदर लगा, और हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी जल्दी, भीड़ ना अभी बढ़ ही रही है, हम लोग जल्दी जल्दी 6 बजे निकल गए थे इसलिए थोड़ी सी भीड़ अभी मैं कह सकती हूँ कम है। तो दुर्गा माँ तो बहुत सुंदर बनाया गया था, मुझे ना हर एक पैंडल का दुर्गा माँ इतना 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 पसंद आता है कि मुझे देखने का ही मन करता रहता है। और जो ये डेकोरेशन है ना वो महाभारत की जो बहुत सारी स्टोरीज़ है ना वो सब यहाँ पर मुराल पेंटिंग के द्वारा यहाँ पर दर्शाए गए थे। बहुत ही सुंदर एम्बियंस था और वो डेकोरेशन भी अंदर का बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ भी बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करा के अभी हम लोग इस चंद्रोदय मंदिर से निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कितना ऊँचा है, और ओरिजिनल ना इससे भी ज़्यादा ऊँचा है। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ही अगरतला का चंद्रोदय मंदिर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बोलिएगा। ये अगरतला का वन ऑफ द फेमस क्लब है जो हर बार किसी ना किसी रैंक में किसी ना किसी पोजीशन पे रहता है और बहुत ही सुंदर बनाता है। और इसके पीछे ना हर बार आनंद मेला लगता है जो मेरी बेटी का ना बहुत ही फेवरेट है, वो यहाँ पर जाने के लिए पागल हुए जा रही थी, और यहाँ इसलिए हम लोग इसे अभी आनंद मेला में लेके जा रहे थे। तो आनंद मेला एक्चुअल में क्या है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर ना बहुत बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, खाने का स्टॉल, फूड का स्टॉल, इसके बाद है गिफ्ट शॉपिंग का स्टॉल, ज्वेलरी का शॉप और टैटू शॉप, बहुत कुछ और लॉटरी खेला, बहुत सारे शॉप लगे हुए थे, और थे बच्चों के लिए खेलने कूदने की बहुत सारे ऑप्शंस जो ना नॉर्मली अगरतला में होते नहीं हैं। जब ये ऐसे पूजा होते कुछ होता है, आनंद मेला लगता है। आनंद मेला एक्चुअली लोगों को आनंद देने का मेला है, इसी की वजह से इसका नाम आनंद मेला पड़ा है। तो आप लोग देख सकते हो कि ऐसा सुंदर सा आनंद मेला लगा हुआ है, यहाँ पर नागरदला लगा हुआ है और बहुत सारे राइडिंग ऑप्शन भी लगे हुए हैं। तो मेरी बेटी यहाँ पर आके ये जो प्लेन बनाए हुए थे ना, छोटे छोटे प्लेन बनाए हुए थे, इसमें उठने के लिए पागल हुए जा रही। तो ये है नागरदला, देखिए दूर से कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ना मैं और मेरे हस्बैंड हर बार यहाँ पर जाके उठते थे इसके अंदर, तो अभी ना बच्ची छोटी है इसलिए हम लोग इसमें उठ नहीं पाएंगे, हर बार उठते थे, लेकिन अभी दो साल से एक्चुअली बंद है यहाँ पर नागरदला में चढ़ना। तो कितना सुंदर लग रहा है यह नागरदला, एक बार देखिए आप लोग। 2 साल पहले की बात है, हम लोग एक बार नागरदला में ऐसे बैठे थे और यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, तो मुझे ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा चलो उधर जाते हैं, सिक्योरिटी ना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पकड़ने की कोई जगह नहीं थी, कुछ नहीं थे, ऐसा ना बहुत ख़राब लग रहा है। तो हम लोग उतर गए थे, और हम लोग उतर के घर ही गए कि न्यूज़ में आया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, नागरदला से कुछ लोग गिर गए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो हम लोग सोच रहे थे सच्ची में यहाँ की पकड़ने की जो चीज़ दी गई थी ना वो ठीक नहीं थी, और उस दिन अगर हम लोग यहाँ पर चढ़ जाते ना तो हम लोग भी गिर ही जा सकते थे। तो भगवान ने हमें बाल बाल से बचाया, और उसके बाद से ना हम लोग नागरदला में एकदम नहीं बैठे। तो अभी ये जो छोटे छोटे प्लेन्स है ना, यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी उठेगी, और छोटी बेटी ना यहाँ पर पागल हुए जा रही थी इस पर चढ़ने के लिए। तो इस बार तो ये बहुत ही छोटी है, जस्ट 1 और 5 ईयर्स की है, इसलिए हम लोगों ने इसको किसी भी राइड में उठाया नहीं। और यहाँ पर ना बड़ों के लिए भी बहुत सारे राइड आए हुए थे, लेकिन किसी भी राइड में हम लोग जा नहीं पाए, और बच्चों को अकेले छोड़ के तो जा भी नहीं पाते, और बच्चों को लेके भी जा नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने कोई भी राइड नहीं किए, सिर्फ ये सुपर ड्रैगन जो रोलर कोस्टर है इस पर चढ़ गए। और इस पर हम लोग हर बार चढ़ते हैं, जिस बार भी दुर्गा पूजा होती है हर बार ये आते हैं, और हर बार हम लोग इस पर चढ़ते हैं और बच्चों को लेके ही चढ़ते हैं। पिछले ईयर तो मेरी छोटी बेटी जस्ट 5 मंथ्स की थी, और हम लोगों ने 5 मंथ्स की बेटी को लेके भी ये रोलर कोस्टर को राइड किया था। वैसे तो इसका स्पीड ज़्यादा उतना ज़्यादा स्पीड इसका होता भी नहीं है, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही सेफ है, और पकड़ने की जगह भी बहुत अच्छी है। और जो बात सबसे मेन है वो है यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती नहीं है, दरअसल यहाँ पर बच्चों को लेकर चढ़ना भी बहुत ही सेफ होता है। तो मेरे हस्बैंड सामने वाली सीट में मेरी छोटी बेटी को लेकर बैठे थे, और मैं पीछे वाली सीट में मेरी बड़ी बेटी के साथ बैठी थी। तो ज़्यादा राइड नहीं थी, जस्ट 5 राउंड दिया था, उसके बाद ये राइड ख़त्म होगी। अब हम लोग इस राइड से उतर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर और भी छोटे मोटे बहुत सारे राइड थे, जैसे यहाँ पर आया था एक स्मोक बिस्कुट खाने की यहाँ पर बहुत ही धूम मची हुई थी।
सब लोग स्मोक बिस्कुट खा रहे थे और मुंह से स्मोक निकल रहे थे, पता नहीं कैसे स्मोक बिस्कुट बनाया गया था। तो नागरदुला की लाइटिंग देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पर बाउंसी कैसल भी आया हुआ था और मेरी बड़ी बेटी पागल कर रही थी बाउंसी कैसल पर जाने के लिए। तो फाइनली उसके पापा ने उसको बाउंसी कैसल पर चढ़ा दिया और देखिए कैसे मस्ती कर रही है वहाँ पर। बहुत सारे बच्चे रैंडमली बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे तो सबके साथ ही वो मस्ती कर रही थी यहाँ पर। बहुत टाइम तक वो वहाँ पर ही रही और मैं यहाँ पर खड़े खड़े लोगों को स्मोक बिस्कुट खाते हुए देख रही थी और मुँह से स्मोक निकालते हुए देख रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए और एक दूसरे पैंडल में, यह एक ये चलो का पैंडल जो है मेलार मार्ट में, ये भी बहुत ही छोटे परिसर में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पैंडल बनाया और काम भी बहुत ही अच्छा किया। तो मूर्ति भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो हम लोग रॉन्ग साइड से घुस गए थे अंदर, उसके बाद हम लोग ये राइट साइड से बाहर आए पैंडल देखने के लिए। तो पहले अंदर का देख लिया और उसके बाद ये बाहर आए। बाहर भी बहुत ही सुंदर बनाया गया था, किस थीम पे बनाया गया था पता नहीं है क्योंकि कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था ऐसा। शाम के 6 बजे से पैंडल होपिंग करते करते हम सबको लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो हर जगह पे नो एंट्री थी, किसी बड़े रेस्टोरेंट में हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो सामने जो था उसमें ही हम लोग घुस गए। तो ये आगरतला का स्टारलाइन रेस्टोरेंट जो एक समय में बहुत ही सुंदर था, लेकिन अभी ना इसका थोड़ा सा डाउन हो चुका है अंदर का। लेकिन फूड ना बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा फूड। तो खाना वाना खा के अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं। अभी आ गए हम लोग शांतिपुरा क्लब में, जिसका ना बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था और बहुत ही सुंदर बनाया गया था। ये ना इस्कन का जो मायापुर का जो इस्कन टेम्पल है ना, उसके अदल में बनाया गया था और बाहर एक लाइट एंड साउंड का शो हो रखा था, जिसकी वजह से ना भीड़ ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोगों ने भी खड़े होकर यहाँ पर थोड़े से लाइट एंड शो देखा। बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने पूरा लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर रिकॉर्डिंग की, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ कॉज कॉपीराइट क्लेम आ जाता। ज़्यादा भीड़ थी और इतनी सुंदर यहाँ पर लाइटिंग की गई थी ना, कितने सुंदर सुंदर झाड़ लगाए गए थे, लेकिन हम लोग अंदर घुस नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो हम लोग माँ की मूर्ति तो देख नहीं पाए, जस्ट लाइट एंड साउंड शो देख के हम लोग यहाँ से रिटर्न चले आए। अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी अभी, और हमारा घर जहाँ पर है वहाँ पर भी अभी इतना ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये हमारे घर के बाहर का रोड है जहाँ पर हमारे जो बालकनी है वहाँ से जो रोड दिखाई देता है ना सामने, ये वही रोड है। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पर, सारा भीड़ है ना, वो सब जा रहे थे। अभी लाइट एंड साउंड का शो शुरू होगा वहाँ पर, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो अभी हम भी लाइट एंड साउंड का शो देख के आते हैं, क्योंकि पारा का जो पैंडल है ना वो मैंने सुबह सुबह देखा था, लाइट एंड साउंड शो में कैसा दिखता है मैंने देखा नहीं है। तो ये हमारा लोकेलिटी का पैंडल है जो शिव जी बनाया गया था। तो हम लोग भी यहाँ पर खड़े हो गए अभी लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। शो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कॉपीराइट क्लेम की वजह से। तो आज अष्टमी पूजा का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही समाप्त कर देती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।